नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिवेश शर्मल। आप देख रहे हैं टेक न्यूज यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ Asus Zenfone Max Pro M2 और उसका हम एक छोटा सा कंपैरिजन करने वाले Realme U1 के साथ में। और ये फोन दोनों ही इन फोन में बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है कि आप लोगों को कौन सा फोन बाय करना चाहिए और कौन सा फोन नहीं बाय करना चाहिए। आप इस वीडियो को देखते रहिए, आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद, और आपको डेफिनेटली पता लग जाएगा कौन सा फोन आपको बाय करना चाहिए और कौन सा नहीं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम इन दोनों फोनों का जो कंपैरिजन करने वाले हैं, कंपनियां बहुत ज्यादा अच्छी हैं और दोनों ने बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिए हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों फोन का कंपैरिजन करेंगे रैम एंड स्टोरेज के साथ में। Asus Zenfone Max Pro M2 में अभी तक आपको जो लीक्स एंड रूमर्स के बेसिस पे इन्फॉर्मेशन निकल के आई है वो है 4GB प्लस 64GB का एक ही रैम वेरियंट देखने को मिलेगा, जिसकी प्राइस 13 से लेके 14,000 या 15,000 के बीच में रखी जाएगी। उसके अलावा उस दूसरी साइड में Realme U1 है, जिसके दो रैम वेरियंट हैं, ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, अमेजोन पे मिलता है। 3GB प्लस 32GB जिसकी प्राइस है 12,000 रुपीज़, और 4GB प्लस 64GB जिसकी प्राइस है 14,500 रुपीज़। ये थे कुछ रैम वेरियंट्स। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। Zenfone Max Pro M2 में आपको Qualcomm Snapdragon 660 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है और AI बेस्ड प्रोसेसर है, जो कि बहुत अच्छी तरह से परफॉर्मेंस देता है। और Realme U1 में आपको MediaTek का Helio P70 जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर है MediaTek की तरफ से 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के बेस पर, और AI वो भी AI प्रोसेसर है जो कि बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करता है। अगर हम इन दोनों प्रोसेसर की कंपैरिजन करते हैं तो आपको डेफिनेटली Qualcomm Snapdragon 660 की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू Helio P70, क्योंकि वो हर चीज़ में अच्छा है। उनका GPU भी बहुत अच्छा है, क्लॉक हर्ट्ज भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक के बारे में कि आपको स्क्रीन और कैमरा में क्या देखने को मिलता है। स्क्रीन की अगर यहाँ पे हम बात करें, दोनों ही फोन के अंदर आपको 6.3 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है। यहाँ पर सबसे बड़ा जो डिफरेंस है Zenfone Max Pro M2 में वो है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 के साथ में और 2.5D कर्व्ड ग्लास। Realme U1 में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 देखने को मिलता है, जबकि और वहाँ पे भी आपको 2.5D कर्व्ड ग्लास देखने को मिलता है। यहाँ पे ये दोनों ही फोन में मेजर थोड़ा सा मेजर इंप्रूवमेंट है। Max Pro M2 में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 देखने को मिलता है और यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3। इसके अलावा दोनों ही डिस्प्ले में बहुत ज़्यादा फर्क है। Realme U1 में आपको ड्यू ड्रॉप वाटर नॉच डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसके अंदर पूरे फोन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कैमरा पंप होता है और नीचे के अंदर एक छोटी सी चिंसी होती है। यहाँ पर आपको नॉच डिस्प्ले देखने को मिलती है Zenfone Max Pro M2 के अंदर, जो कि 19:9 एस्पेक्ट रेशियो पर बेस्ड है। Realme U1 की जो डिस्प्ले है वो 19:5:9 पर बेस्ड है। तो डिस्प्ले की अगर हम बात करते हैं लुकिंग के मामले में, आपको दोनों ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगी, इसमें आप कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, ये दोनों इक्वल रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कैमरे के बारे में, तो यहाँ पे Zenfone Max Pro M2 के अंदर आपको ड्यूल रियर कैमराज देखने को मिलते हैं, जो कि 12+5 मेगापिक्सल पर ड्यूल रियर कैमराज बेस्ड है विथ F1.8 एपरेचर का सोनी का IMX का सेंसर है इसके अंदर। और इसके अलावा फ्रंट कैमरा की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है विद ड्यूल LED फ्लैश। यहाँ पर फ्रंट में भी फ्लैश है, आपको रियर में भी फ्लैश है, और F2.0 एपरेचर के साथ में। Realme U1 में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो 13+2 मेगापिक्सल का ड्यूल रियर कैमरा देखने को मिलता है विद LED फ्लैश, जो कि F1.8 एपरेचर पर ही बेस्ड है। और फ्रंट कैमरा की अगर यहाँ पे बात करें, तो Realme U1 एज कम्पेयर टू Zenfone Max Pro M2 ज़्यादा अच्छी सेल्फी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि 25 मेगापिक्सल की सेल्फी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी सेल्फी प्रोवाइड करेगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि Realme Oppo का सब ब्रांड है और Oppo स्टार्टिंग से ही कैमरा पे अपना फोकस करता है, तो बहुत अच्छी क्वालिटी की वो सेल्फी क्लिक करके आपको प्रोवाइड करेगा। तो सेल्फी के मामले में Realme U1 इज द विनर, और ड्यूल रियर कैमराज के मामले में Asus Zenfone Max Pro M2। लास्ट एंड नॉट बट लीस्ट, आपको लास्ट जो है वो है बैटरी। बैटरी के अंदर आपको 5000 mAh की कैपेसिटी देखने को मिल रही है, जो कि Zenfone Max Pro M2 में है, और Realme U1 में आपको 3500 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है। बैटरी के मामले में डेफिनेटली Zenfone Max Pro M2 को कोई भी बीट नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत बड़ी बैटरी है और यहाँ पर आपको फास्ट चार्ज का ऑप्शन देखने को मिल सकता है। शायद अभी तक लीक्स एंड रूमर के बेसिस पे ये इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। तो ये था इसके छोटा सा एक कंपैरिजन। अब आप लोग देख लीजिए, अगर आपको एक ऐसा पावरफुल पैकेज चाहिए जिसमें सारी चीज़ें अच्छी हो, परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, कैमरा भी अच्छा हो, डिस्प्ले भी अच्छी हो, और तो आप Zenfone Max Pro M2 ले सकते हैं। और या फिर आपको कम बजट के अंदर थोड़ा सा नॉर्मल परफॉर्मेंस आपको और क्वालिटी सेल्फी कैमरा की क्वालिटी अच्छी चाहिए, तो आप Realme U1 ले सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, बेल आइकन को दबा देना ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। और हमारे चैनल पे गिव अवे चल रहा है जिसका लिंक आपको ओवर द आई बटन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके भी आप चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे भी लिंक अवेलेबल है, उसमें जाके आप पार्टिसिपेट कीजिए। जैसे ही गिव अवे वाली वीडियो को 1000 व्यूज जाएंगे मैं लाइव आके विनर अनाउंस कर दूंगा। फर्स्ट विनर ऑलरेडी अनाउंस है, सेकंड विनर मेरे को अनाउंस करना है, तो फटाफट से उस वीडियो को 1000 व्यूज करें और मैं उस वीडियो का गिव अवे विनर अनाउंस कर दूंगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक यू।